अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों आज सुबह सुबह बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है और गांव में अक्टूबर महीने से ही ठंड लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों ठंड का मौसम आ ही गया है तो हम लोग नाश्ते में ठंड के मौसम में छिलका रोटी ज्यादा खाते हैं। तो आज मैं छिलका रोटी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए दोस्तों छिलका रोटी बना लेते हैं। दोस्तों आज सुबह सुबह काम करते करते बहुत ज्यादा ठंड लगा और गांव में अभी से ही ठंडा का एहसास शुरू हो गया है और ठंडे दिन के जैसे एकदम पूरा पानी भी एकदम ठंडा था। और दोस्तों हम लोग ठंड के दिनों में छिलका रोटी बहुत खाते हैं, इसलिए आज मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, एक रोटी बन के रेडी हो चुका है और चलिए इसी तरीके से मैं पूरा रोटी को बना लेती हूँ। देखिए दोस्तों, पूरा छिलका रोटी बन के रेडी हो चुका है और बच्चे लोग बड़े चाव से बोले थे कि अम्मी हम लोग के लिए छिलका रोटी बना दीजिएगा आज के नाश्ते में और हम लोग टिफिन भी लेकर जाएंगे। तो दोस्तों बच्चे लोग भी नाश्ता कर चुके हैं, उन लोग को लेट हो रहा था, उन लोग स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और मैं रोशनी के दादी लोग को भी नाश्ता दे चुकी हूँ और सभी कोई नाश्ता कर लिए है, सिर्फ मैं बच गई हूँ और बच्चे लोग के लिए टिफिन डालना बच गया है। तो चलिए पहले उन लोग के लिए टिफिन डाल देती हूँ, फिर मैं भी नाश्ता कर लूंगी। और दोस्तों छिलका रोटी में खाने के लिए मैं टमाटर कचौड़ी भी बना दी हूँ, आप देख सकते हैं। और चलिए बच्चे लोग के लिए भी टिफिन डाल देती हूँ। तो दोस्तों बच्चे लोग कल शाम को ही बोल दिए थे कि हम लोग कल टिफिन में छिलका रोटी लेकर जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं बच्चे लोग के लिए छिलका रोटी ही टिफिन में डाल दे रही हूँ। तो दोस्तों घर के सभी लोग नाश्ता कर लिए हैं, तो चलिए अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और दोस्तों छिलका रोटी टमाटर चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप भी घर में ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, बुलबुल गोदी से उतर नहीं रही है और मेरे साथ ही बैठी हुई है, सुबह से एकदम परेशान कर रही है, मेरे साथ ही है। चलिए दोस्तों मैं भी अब जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, नाश्ता वगैरह हम लोग का हो गया है और कल शाम को जो हम लोग गैठिया कांदा लेकर आए थे वो भी अच्छे से सूख गया है, उसको धो के अच्छे से सुखा दिए थे तो उसका छिलका भी अच्छे से सूख गया है। तो चलिए दोस्तों गैठ कांदा को अच्छे से छील लेते हैं, फिर इसको काट के उबालेंगे। देखिए दोस्तों गैंठ का कांदा अच्छे से छिला चुका है और ये काटने के लिए बच गया है, तो चलिए इसको आलू चिप्स के जैसे धीरे धीरे काट लेते हैं। और दोस्तों इसको बनाने का तरीका आप लोग देखिएगा हम लोग कैसे बनाते हैं। दोस्तों कांदा अच्छे से छिला कटा गया है और चलिए इसको एक दो पानी धो लेते हैं, फिर उबालने के लिए चढ़ाएंगे। और दोस्तों अभी इस कांदे को खाएंगे तो बहुत ही ज्यादा कड़वा लगेगा और इसका कड़वाहट निकालने के लिए हम लोग को उबाल के नदी ले जाना पड़ेगा और वहीं पे इसको रात भर छोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसका कड़वापन निकलेगा। तो चलिए इसको एक डेगची में अच्छे से धो के कर लेते हैं। दोस्तों कांदा अच्छे से धुला गया है, इसको मैं उबालने के लिए भी चढ़ा देती हूँ। और दोस्तों इसको ज्यादा नहीं उबालते हैं, हल्का कच्चा ही टाइप रहता है। तो देखिए दोस्तों, पानी अच्छे से उबल के कांदा भी अच्छे से पक गया है और चलिए इसको छान लेते हैं, फिर नदी लेकर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों कांदा को बाहर लेकर चलते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा हो जाएगा तब इसको नदी लेकर जाएंगे। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नदी कांदा को लेकर और रात भर कांदा को वहीं पे छोड़ देंगे पानी में। और इधर देखिए दोस्तों, आज सासू अम्मा का जो नया साड़ी लेकर आए थे उसी का ब्लाउज रोशनी के दादा सिल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग नदी के घाट में पहुंच गए हैं और यहाँ थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, बहुत ज्यादा घास है और सांप वगैरह भी रहता है। तो
आप देख सकते हैं दोस्तों, नदी का पानी अभी कितना अच्छा साफ है और एकदम नदी का पानी को देख के एकदम नहाने का मन कर रहा है। चलिए दोस्तों उस साइड चलते हैं, उधर नदी का बहाव थोड़ा ज्यादा है तो वहीं पे कांदा को रख देंगे और वहाँ बहाव ज्यादा है तो कांदा अच्छे से धुला पाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहीं पे कांदा को रखूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग नदी पहुंच चुके हैं और कांदा को यहीं पे रख देते हैं और रात भर में इसका कड़वापन निकल जाएगा और बहुत अच्छे से ये कांदा धुलाएगा। तो चलिए इसी झोला से ही रख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहाव भी ज्यादा है और ये अच्छे से धुला पाएगा, इसका कड़वापन भी निकल जाएगा। तो चलिए इसको यहीं पे रख देते हैं और सुबह लेके जाएंगे, रात भर रहेगा ये कांदा यहीं में, तब ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए दोस्तों इसको रखते हैं अब पानी में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं झोला को अच्छे से इस मोटा वाला घास में बांध दूंगी तो झोला नहीं बहेगा। और दोस्तों इस कांदा को खाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। देखिए दोस्तों, कांदा को मैं अच्छे से घास में, मोटा वाला घास में बांध दी हूँ और ये खुलेगा भी नहीं, नहीं बहेगा भी नहीं। और ये देखिए झोला से अच्छे से धुआ जाएगा कांदा, ये रात भर रहेगा तो इसका कस्सापन बहुत अच्छे से निकल पाएगा। तो चलिए इसको छोड़ के चलते हैं घर। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर, अभी का टाइम लगभग 5:30 बज रहा होगा। तो दोस्तों अभी घर जाके रात के लिए खाना सब्जी भी बनाना है और आज के रात के खाने में कुचाई का सब्जी बनेगा। देखिए दोस्तों, नदी आए थे तो ये सारू पत्ता को भी लेकर चलते हैं, इसका सुपटी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और अभी धूप भी कर रहा है तो एक दो दिन में ही सूख जाएगा। तो चलिए ये देखिए कितना अच्छा बाती बाती है इसका पत्ता। तो दोस्तों अब नदी आए हैं तो चलिए सारू पत्ता को भी तोड़ लेते हैं, और जो पिछले बार सारू पत्ता लेकर गए थे उसका सुपटी भी खत्म हो गया है तो चलिए लेके चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अभी इतना ही तोड़ी हूँ, अभी शाम भी होने वाला है तो चलिए इतना ही को लेकर चलते हैं घर। तो दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी हूं और मैं कुचाई का कांदा को पकने के लिए चढ़ा दी थी तो अभी अच्छे से पक गया होगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मेरे नदी से आने तक कुचाई भी अच्छे से पक गया है तो चलिए इसको भी अच्छे से छील काट लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा कुचाई अच्छे से छिला कटा गया है और चलिए घर को अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं मेथी का तड़का दे देती हूँ, फिर इसमें सरसों का मसाला डाल दूंगी और 3-4 टमाटर और अमचूर पाउडर डाल दूंगी और स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। तो दोस्तों मेरा कुचाई सब्जी बन ही गया है और आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।